ओके, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे एक्यूमुलेटर क्या होता है, स्पार्क सारा तरी कवर कर रहे हैं, स्काला, स्पार्क। बहुत ज्यादा वीडियोस हो रहे हैं कि ये बहुत सब कुछ कवर कर रहे हैं, हम लोग कुछ काट छोट के कवर नहीं कर रहे हैं यार। ये पेड कोर्स से भी ज्यादा अच्छा कोर्स है, फ्री वाला। एन एक्यूमुलेटर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ शेयर्ड वेरिएबल दैट अलाउज यू टू एक्यूमुलेट वैल्यूज अक्रॉस मल्टीपल टास्क इन अ पैरेलल एंड फॉल्ट टॉलरेंट मैनर। एक्यूमुलेटर्स आर प्राइमरीली यूज्ड इन स्पार्क फॉर एग्रीगेटिंग रिजल्ट्स फ्रॉम वर्कर नोट्स बैक टू द ड्राइवर नोट ड्राइवर प्रोग्राम, गैदर टुगेदर और अक्वायर एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ। ठीक है, मतलब क्या है ना, ग्रेजुअली गैदर और अक्वायर रिजल्टिंग वर्ड और गैदर टुगेदर और अक्वायर एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ। ओके, तो मैं जाता हूँ वर्क स्पेस में और यहाँ पे जाता हूँ, राइट क्लिक करूंगा, क्रिएट करूंगा, एक नोटबुक क्रिएट करूंगा, मीथ क्लस्टर से अटैच कर दूंगा इसको। अब यार आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पार्क एक्यूमुलेटर क्या होते हैं। एक तो होता है इनिशियलाइजेशन। यू इनिशियलाइज एन एक्यूमुलेटर विद एन इनिशियल वैल्यू ऑफ अ ड्राइवर प्रोग्राम। दिस इनिशियल वैल्यू इज यूज एज एन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्रीगेशन। अब इम्यूटेबल होता है, मैं उसको चेंज नहीं कर सकता वैल्यू को। एक्यूमुलेटर्स आर इम्यूटेबल वंस इनिशियलाइज, देयर वैल्यू कैन नॉट बी चेंज डायरेक्टली बाय वर्कर नोड, ओनली द ड्राइवर नोड कैन रीड देयर वैल्यूज। ठीक है, ड्राइवर नोड होता है, वर्कर नोड होता है, आपको स्पार्क से पता ही होगा, नहीं पता है तो स्पार्क बेसिकली सीरीज देखो ना। पैरेलल अपडेट्स, एक्यूमुलेटर्स कैन बी यूज विद इन स्पार्क ट्रांसफॉर्मेशन लाइक मैप और रिड्यूस दैट रन ऑन पैरेलल प्रोसेस दैट रन ऑन पैरेलल अक्रॉस मल्टीपल वर्कर नोड्स। दीज ट्रांसफॉर्मेशन कैन अपडेट द एक्यूमुलेटर वैल्यू। यही ट्रांसफॉर्मेशन एक्यूमुलेट कर को अपडेट कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हो, मतलब वर्कर नोड नहीं कर सकता। ठीक है, एसोसिएटिव एंड कॉम्युलेटिव ऑपरेशंस। एक्यूमुलेटर्स आर डिजाइन फॉर ऑपरेशंस दैट आर एसोसिएटिव, दैट इज अ रिजल्ट इज दैट इज अ रिजल्ट इज द सेम रिगार्डलेस ऑफ द ऑर्डर इन विच द वैल्यूज आर कंबाइंड एंड कॉम्युलेटिव, दैट इज द ऑर्डर ऑफ कंबाइनिंग वैल्यूज डज नॉट मैटर। ड्राइवर प्रोग्राम एक्सिस्ट, आफ्टर द स्पार्क जॉब कंप्लीट्स द ड्राइवर प्रोग्राम कैन रीड द फाइनल वैल्यू ऑफ द एक्यूमुलेटर। ड्राइवर प्रोग्राम पे लिख कर सकता है बोलो, द फाइनल वैल्यू रिफ्लेक्ट्स द एग्रीगेटेड रिजल्ट्स फ्रॉम ऑल वर्कर नोड। अब फॉल्ट टॉलरेंट क्या होता है। एक्यूमुलेटर आर डिजाइन टू वर्क इन स्पार्क फॉल्ट टॉलरेंट एनवायरमेंट। इफ अ टास्क फेल, अगर टास्क फेल होता है एंड इज री एग्जीक्यूटेड द एक्यूमुलेटर वैल्यू इज स्टिल करेक्ट। फेल हो रहा है, री एग्जीक्यूट करेगा, फिर भी एक्यूमुलेटर वैल्यू करेक्ट होती है। अब एक प्रोग्राम लिख लेते हैं सर, तो इम्पोर्ट करो org.apache.spark। अगर मुझे दो इम्पोर्ट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्पार्क कॉन्फ करना है मुझे, स्लैश स्पार्क सेशन करना है, देखो स्पार्क डॉट कोल डॉट स्पार्क सेशन करना है, मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं इस तरह से स्पार्क सेशन बना रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, वाल करूंगा स्पार्क, इस तरह से भी कर सकते हो, देखो इस तरह से करके स्पार्क सेशन स्पार्क डॉट बिल्डर डॉट एप नेम, मीज रख देते हैं। ठीक है, तो कुछ भी रख दो फर्क नहीं पड़ता, मीट कर दिया डॉट गेट और क्रिएट, मैं इसको रन कर देता हूँ, स्पार्क सेशन भी क्रिएट हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, वाल एक्यूमुलेटर कर देते हैं, एक्यूमुलेटर एक्यूमुलेटर क्रिएट करना है तो एक्यूमुलेटर नाम का मैंने वेरिएबल नाम डाल रहा हूँ, तो कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, अब पार्क डॉट पार्क कंटेक्स्ट डॉट लॉन्ग एक्यूमुलेटर, कुछ भी डाल दो, मेरा हमारा हमारा रखते हैं, हमारा एक्यूमुलेटर, हमारा एक्यूमुलेटर बन गया एक। अच्छा, मैंने एक चीज नहीं किया, मैंने डेटा क्रिएट नहीं किया, तो मैं डेटा क्रिएट करता हूँ, डेटा क्रिएट करता हूँ, लिस्ट क्रिएट कर दे रहा हूँ, 1 2 3 4 और 5। वाल आरडीडी कर देता हूँ, आरडीडी कैसे करते हैं, आरडीडी बताए कैसे क्रिएट करते हैं, स्पार्क डॉट स्पार्क कंटेक्स्ट डॉट पैरालाइज कीवर्ड और फिर डेटा, रट गया होगा आपको, ठीक है रटा नहीं रट गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आरडीडी क्रिएट कर देता हूँ इस तरह से। नेक्स्ट लाइन में आएंगे, आरडीडी डॉट फॉरिच का इस्तेमाल कर रहा हूँ, फॉरिच एसिंग क्या है, एक्स डॉट अलाउ, अब वेट करते हैं, मुझे नहीं पता ये असिंग वाला क्या सिस्टम है। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ इसको, ठीक है, तो मेरे को मेरे ख्याल से मेरे को एरर दिखाएगा। ठीक है, तो मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है ऐसा होने नहीं वाला, थोड़ा तो मैं इसको सही कर देता हूँ, फॉरिच ही कर देता हूँ, या फिर तुम इसको इस तरह से एलिमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, मैं अगर इसको एलिमेंट कर दूँ, सिंपल सा नामकरण डाल दे रहा हूँ मैं, एलिमेंट कर देता हूँ, एक्यूमुलेटर डॉट अपेंड ऐड किया मैंने, ठीक है एक्यूमुलेटर ऐड हो गया इस तरह से। अब मुझे एक्यूमुलेटर को प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने क्या करूंगा, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, प्रिंट एनल, ठीक है सिंपल प्रिंट एनल कर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ पे देखो एफ स्ट्रिंग स्ट्रिंग ऑलरेडी मैंने बताया है यहाँ पे, भाई इसको भी अपने चुन लें, मेरे को मैं अपने मेरे को बताया ना मुझे क्या लिखना है, जब तुम्हें डबल कोट डालना है तब तुम डबल कोट नहीं डालोगे, ऐसे डाल डाल दो एक्यूमुलेटर
डॉट वैल्यू, अकुमेंट की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है, इस तरह से फाइल आ गया। फॉर ईच एलिमेंट अकुमेंट डॉट अपेंड एड वैल्यू 1। देखो यहाँ पे डेटा इस तरह से 5 आ गया, 1 2 3 4 अकुमेंटर की वैल्यू 5 आ गई। अब एक और चीज है, देखो यार मैं कुछ और कर रहा था फॉर ईच एसिंग, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर डायरेक्टली फॉर ईच एसिंग कर दूं, अब मैं वैल्यू करूँ 1 बाय, मैं देखो फॉर ईच एसिंग भी कर सकते हो, फॉर ईच का भी कर सकते हो, ठीक है। वीडियो क्या नहीं कर रहा था उसके पहले एक चीज बता दूं आपको, तो ये आरडीडी को प्रोसेस करेगा, आफ्टर प्रोसेसिंग द आरडी वी एक्सेस द फाइनल वैल्यू ऑफ द एक्युमुलेटर ऑन द ड्राइवर प्रोग्राम व्हिच इज रिप्रेजेंट्स द, मेरे केस में क्या कर रहा है, काउंट ऑफ द एलिमेंट्स इन आरडीडी वो रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्युमुलेटर्स आर पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ऑपरेशंस लाइक काउंटिंग, समिंग और एग्रीगेटिंग डेटा अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूटेड टास्क इन स्पार्क। यहाँ पे मेरा काउंट निकला है,